वेल हेलो गाइस एंड कैसे हो तुम सब। तो यार देखो, जो पोकेमॉन है उसके नए सीज़न की डबिंग को लेकर यार अपडेट आ चुका है, एंड शायद यही वो अपडेट है जो सीज़न 16 को कंफर्म कर देगा। सो अब मैं नहीं जानता यार तुम लोग मतलब क्या करोगे इस अपडेट को सुनकर, बट इतना कह सकता हूँ यार तुम्हें अच्छा लगेगा। सो अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये तो जानते ही हो। सो और बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। सो चलो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस जो न्यूज़ आ रही है वो है केतन कावा सर से। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी और उस स्टोरी में उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिखाया था। ओके, अब स्क्रिप्ट का हेडलाइन उन्होंने छुपा लिया था, तो ये बताना मुश्किल है कि वो कौन से सीजन को डब कर रहे हैं, बट इतना बता सकते हैं कि भाई कैरेक्टर वहाँ पे लिखा था एश कैचम, मतलब स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो। और उन्होंने पूछा है कि भाई पोके फैंस तुम लोग एक्साइटेड हो या नहीं, तो ऑफकोर्स हम लोग एक्साइटेड है, बट ये कौन सा सीज़न हो सकता है। तो देखो, मुझसे पहले ये न्यूज़ जिसने भी कवर किया है उसने तो फिलहाल के लिए यही बताया कि हो सकता है कि सीज़न 18 जो है वहाँ पर शायद साइलेंट का रिटर्न वाला कोई एक एपिसोड होगा। सो मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैंने सीज़न 18 अभी तक देखा नहीं, तो हो सकता है यार वहाँ पर साइलेंट का कोई एक रिटर्न होगा एंड उसकी डबिंग ये अभी से कर रहे हैं। तो अब मैं प्रॉपर तो नहीं बोल सकता, बट ऐसा हो भी सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से एक न्यूज़ तो कन्फर्म होती है कि सीज़न 18 के जो राइट्स है वो ऑफकोर्स डिज्नी के पास होंगे, मतलब डिज्नी ने उसे अब तक परचेस कर लिए होंगे। एंड मैंने तुम्हें लास्ट कुछ वीडियो में बता दिया होगा कि जो नेक्स्ट पोकेमॉन का सीज़न डब होगा वो होगा सीज़न नंबर 18। तो हो भी सकता है यार सीज़न नंबर 18 में जो साइलेंट का रिटर्न होगा उसकी डबिंग अभी से कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें यार रिप्लाई कुछ मिला है केतन कावा सर से तो तुम लोग मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि मैंने उनसे ऑफकोर्स पूछा है बट वो तो मुझे रिप्लाई देते नहीं, तो मैं क्या करूँ। सो या तो अब तुम्हारा क्या करना है तुम कह सकते हो। एंड अब बात करेंगे तेलुगु डबिंग के बारे में, सो स्टे ट्यून। हाँ तो अब बात कर लेते हैं तेलुगु डबिंग के बारे में। हाँ वैसे मैं बता दूँ, मेरी जो वॉइस है तुम्हें अलग लग सकती है थोड़ी बहुत, शायद चेंज लग सकता है बिकॉज अभी अभी जस्ट मैं स्कूल से वैक्सीनेशन करा के आया हूँ एंड वो सुबह की रिकॉर्डिंग थी। तो बात करते हैं तेलुगु डबिंग के बारे में। सो एक्चुअली यार जो दोरासाई तेजा सर हैं, जो एश के ऑफिशियल तेलुगु वॉइस डबर है, उन्होंने रिसेंटली मतलब रिसेंटली नहीं एक हफ्ते पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था। टाइटल में उन्होंने हैशटैग पोकेमॉन लिख दिया और उन्होंने मतलब एक डबिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब वो क्या डब कर रहे हैं वो तो प्रॉपरली देखा नहीं जा रहा बिकॉज स्क्रीन उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी डबिंग दिखाई, अपना चेहरा दिखाया, माइक दिखाया, मतलब स्क्रीन में तुम देख ही सकते हो। बट यहाँ पे किसकी डबिंग वो कर रहे थे यही सबसे बड़ा सवाल है। अब यार मेरे अकॉर्डिंग ये सीज़न 16 हो सकता है बिकॉज तुम भी जानते हो जो जनवरी महीना था वहीं पर सीज़न 16 की डबिंग चल रही थी। अब उसी बीच उसको स्टॉप करके पोकेमॉन जर्नीज में दो चार डबिंग करके उसको मतलब तेलुगु में अवेलेबल किया गया। सो हो सकता है सीज़न 16 को तब के लिए स्किप कर दिया गया था एंड अब शायद बाकी के शायद 40 के बाद से एपिसोड को थोड़े बहुत कंटिन्यू किए जा रहे हैं। मतलब यार प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही आ चुका है। हो सकता है कि यार इसी फरवरी के अंदर हमें देखने को मिल जाए पोकेमॉन सीज़न 16। अब देखना ये है कि भाई उसे प्रोमो के साथ दिखाएंगे या नहीं। सो बाय द वे अब तुम लोग की क्या ओपिनियन है तुम लोग कमेंट में बता दो, एंड तुम्हें क्या सवाल पूछना है वो भी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। सो बाय द वे इतनी छोटी अपडेट थी। सो आज के ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड सो बाय टाटा, सी यू सून।